के खंदकों वाले राख कर दिए गए, यानी आग के खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था, जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो जुल्म वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनका नजारा कर रहे थे। और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाही है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोजख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है, वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा, और वो बख्शने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक बड़ी शान वाला, जो चाहता है सो कर डालता है। भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ है, यानी फिरौन और समूद का? असल बात यह है कि काफिर मुस्तकिल झुटलाने में लगे हैं, जबकि अल्लाह भी उनको हर तरफ से घेरे हुए है। ये कोई मामूली कलाम नहीं, बल्कि ये कुरान अजीम शान है, लौह महफूज में लिखा हुआ।